नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, पुष्प राजगर विधानसभा के विधायक आज विधानसभा की कार्यवाही के बीच गांधी प्रतिमा के पास जाकर अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की आवास भत्ता और छात्रवृत्ति नहीं मिलने को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि इन छात्रों को 3 सालों में छात्रवृत्ति नहीं मिली है, इसीलिए आज विधानसभा की कार्यवाही के बीच अपनी पूरी मांग करवाने को लेकर कांग्रेस विधायक फंदेलाल मार्को और कुणाल चौधरी के साथ अब तरुण भनोत और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। कांग्रेस विधायक फंदेलाल मार्को ने बताया है कि पुष्पराजगढ़ विद्यालय में तकरीबन 1200 विद्यार्थियों की 3 साल की छात्रवृत्ति रुकी हुई है, इसलिए विधानसभा में हम अनवरत शून्यकाल और ध्यानाकर्षण के माध्यम से हमने आग्रह किया था कि महाविद्यालय के बच्चे अनवरत ताला बंद करके विद्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर राजनीति करना चाहती है। सरकार केवल दिखावे के लिए अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों के हित की बात करती है। विद्यालय पुष्पराजगढ़ ये 18-19, 19-20 और 20-21 की आवास भत्ता और 20-21 की छात्रवृत्ति लगभग संख्या 1200 छात्र छात्राओं की है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में अनवरत शून्यकाल और ध्यानाकर्षण करके हमारे सरकार से हम आग्रह किए थे कि बच्चे 3 मार्च 2021 से अनवरत महाविद्यालय में ताला बंद करके और धरने पर बैठे। ये सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर राजनीति करना चाहती है, लेकिन वास्तव में पूरे मध्य प्रदेश में हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस बात को उठाया है कि छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। आज मुझे अपने क्षेत्र का, चूँकि वह महाविद्यालय समस्या मेरे क्षेत्र का था, हमने सदन में ध्यानाकर्षण शून्यकाल के माध्यम से भी हमने बात को रखी, लेकिन सरकार बहरी गूंगी सरकार लोक लुभावने भाषण देकर के और ये आदिवासी लोगों को गुमराह करती रही है। आज मुझे विवश होकर के अब धरने पर बैठा हूँ और जब तक उनके खाते में राशि नहीं आ जाएगी बात कर रहे हैं तब तक जो है हम ये धरना मैं पुनः जब सदन लगेगी फिर बैठूंगा। जब तक बच्चे वहाँ धरने में बैठे रहेंगे तब तक मैं यहाँ मैं भी बैठूंगा, क्योंकि मेरे क्षेत्र का है और ये जनहित का है, छात्रों के हित का है। बहुत सारे बालक बालिकाएं आवास भत्ता और छात्रवृत्ति न मिलने के कारण पढ़ाई भी छोड़ चुके हैं, इसकी भी जिम्मेदार सरकार है। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।